वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास टेंथ के लिए उर्दू का सबक नंबर 3 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ आपके सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 एक नज़म है और इस नज़म का नाम है नेकी और बदी, और इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। याद रखोगे नेकी और बदी नज़म के शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी शायर का या किसी भी मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है, तो पहले हम नज़ीर अकबर आबादी का इंट्रो पढ़ेंगे। तो नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 में हुई, इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1830 में हुआ। याद रखेंगे सभी कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 में, इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1830 में हुआ। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। ये दिल्ली में पैदा हुए, फिर बाद में अपने ख़ानदान के साथ जाकर आगरा में बस गए। नज़ीर अवामी शायर थे, यानी कि अवाम के लिए शायरी करते थे। इनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई थी, यानी कि इनकी शायरी के अंदर हिंदुस्तानी माहौल को बयान किया गया था। इन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग तरह के मौसमों, मेलों, त्यौहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। सामने के मौजूआत को सीधी साधी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है, यानी कि ये अपनी शायरी सीधी साधी ज़बान में किया करते थे। इनके पास अल्फाजों का गैर मामूली ज़खीरा था, यानी कि ये अपनी शायरी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजों को इस्तेमाल किया करते थे, जो कि सादा होते थे, जिन्हें सभी आसानी से समझ पाते थे। वो मौके और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। इनके कलाम में तासीर बहुत है, यानी कि इनके कलाम के अंदर बहुत ज़्यादा तासीर है, जिसे सभी पढ़ना पसंद करते हैं। रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह इनकी मशहूर नज़मों के नाम हैं। कौन कौन सी इनकी मशहूर नज़में हैं? रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा, कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। इस तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़मों में अपनी एक ख़ास पहचान रखती हैं, और ये उर्दू के एक बहुत मारूफ यानी कि मशहूर शायर हैं। अब बच्चों, इसके अलावा आपसे एग्ज़ाम में किसी भी नज़म का खुलासा या किसी भी चैप्टर का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है, या फिर मरकज़ी किरदार भी आ सकता है अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम इस नज़म का खुलासा समझेंगे कि इस नज़म के अंदर क्या बात बताई गई है। तो शायर कहता है कि दुनिया एक अजीब बस्ती है, ये महंगों के लिए महंगी और सस्तों के लिए सस्ती है। याद रखोगे, क्या लिखोगे कि शायर कहता है कि दुनिया एक अजीब बस्ती है, ये महंगों के लिए महंगी और सस्तों के लिए सस्ती है। यहाँ पर हर आन झगड़े होते हैं और हर आन फैसले होते हैं। अगर इंसान सुस्त है तो उसे यहाँ मस्ती मिलती है, और अगर पस्त है तो यहाँ उसे पस्ती मिलती है। यानी कि जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही सिला मिलता है। क्या लिखोगे कि यहाँ पर हर आन झगड़े होते हैं, हर आन फैसले होते हैं। अगर इंसान सुस्त है तो उसे यहाँ मस्ती मिलती है, और अगर पस्त है तो यहाँ पर उसे पस्ती मिलती है। यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, यहाँ हाथों हाथ अदलो इंसाफ होता है। यानी कि यहाँ पर हर कर्म का, हर अमाल का फैसला इंसान दुनिया में ही भुगतता है। अगर कोई दूसरों की इज्जत करता है तो लोग भी उसकी इज्जत करते हैं। जो दूसरों को खाना खिलाता है तो उसकी भी रोज़ी रोटी के अंदर बरकत होती है, इजाफा होता है। गर्ज के जो दूसरों के साथ जैसा करता है उसे वैसा ही उसका फल मिलता है। ये लाइन ज़रूर लिखोगे इस नज़म की कि जो दूसरों के साथ जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो दूसरों की नाव पार लगाते हैं खुदा भी उनकी मुश्किलों को दूर कर देता है, जो दूसरों की मदद करते हैं। और जो दूसरों को डुबोने की कोशिश करता है तो खुदा भी उसे डुबो देता है। तो मैंने आपको इस नज़म का खुलासा बता दिया है, आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। अब बच्चों, इस नज़म का मरकज़ी किरदार है, मरकज़ी ख़याल है। तो मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस नज़म को पढ़कर
हमें क्या सीख हासिल होती है, क्या मॉरल एजुकेशन मिलती है, क्या इबरत हासिल होती है। तो लिखोगे कि इस नज़म में शायर ने ये बताया है कि ये दुनिया दारुल अमल है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अगर अच्छे अमल करता है तो उसे उसका अच्छा ही सिला मिलता है, और अगर उसके, यहाँ पर लिख देना, उसके अमाल नेक नहीं होते हैं तो उसे बदले में फूल नहीं कांटे मिलते हैं। इसलिए इंसान को बदी की बजाय नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि जैसा अमाल होता है वैसा ही उसे उसका फल मिलता है। बच्चों, अल्फाज मायने भी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुन लेंगे, जिससे कि आपको नज़म की तशरीह करने में भी आसानी रहेगी। अदल परस्ती मतलब होता है इंसाफ परस्ती। शमशीर बोलते हैं तलवार को, तबर कहते हैं कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार, सना कहते हैं भाला, भाला जैसे कि तीर की तरह भाला होता है ना, कि डंडे के ऊपर कुछ आगे नोकीला सा लोहे का लगा होता है, उसे भाला कहते हैं। बाला कहते हैं ऊंचा या फिर बुलंद। दस्तबंदी कहते हैं हाथों हाथ, यानी कि एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचने का मतलब होता है दस्तबंदी। नान कहते हैं रोटी को, गरक करना यानी कि डिबोना। निहरनी कहते हैं नाखून काटने का आला यानी कि नेल कटर। अब बच्चों, इस नज़म की तशरीह लिखना सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नज़म या गज़ल की तशरीह आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले अशआर ध्यान से सुनेंगे। है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, मगर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सया को सबा, इसमें क्या लिखोगे, मंदरजा बाला अशार नज़्म नेकी और बदी से लिए गए हैं, जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। तशरीह होगी, शायर कहता है कि दुनिया जिसका नाम है ये एक बड़ी अजीबोगरीब बस्ती है, ये महंगों के लिए महंगी और सस्तों के लिए सस्ती है, यानी शरीफों के लिए शरीफ और बदमाशों के लिए कमीन है। यहाँ हर कदम पर झगड़े होते हैं और हर वक्त कोर्ट कचहरी लगती है। हर कोई, अगर कोई मस्त है तो उसे ये दुनिया मस्त ही लगती है, और अगर कोई घटिया है तो उसके लिए ये दुनिया पस्त साबित होती है। यहाँ हाथ के हाथ बदला मिल जाता है, अजर मिल जाता है। आगे के अशआर हैं, ध्यान से सुनेंगे। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले, नुकसान के बदले नुकसान मिले, करे एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। सबसे पहले सया को सबक लिखना है, मंदरजा बाला अशार नज़्म नेकी और बदी से लिए गए हैं, जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। तशरीह होगी, जो दूसरों की मुश्किलों में काम आता है, लोग मुश्किलों में उसकी भी मदद करते हैं, जो दूसरों को पान खिलाता है उसे बदले में भी पान ही मिलता है, जो दूसरों को रोटी खिलाता है उसकी रोज़ी रोटी में इजाफा होता है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसे भी नुकसान उठाना पड़ता है, जो दूसरों पर एहसान करता है उस एहसान का बदला उसे ज़रूर मिलता है, यहाँ जो जैसा करता है उसका वैसा ही बदला ज़रूर मिलता है, यहाँ देर नहीं अंधेर नहीं। अगले अशार को ध्यान से सुनेंगे। जो पार उतारे औरों को उसको भी नाव, उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको डुबको करनी है, शमशीर तबर बंदूक सना और नश्तर तीर निहरनी है, यहाँ जैसी करनी फिर वैसी वैसी भरनी है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ कर उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। सया को सबक लिखोगे कि मंदरजा बाला अशआर नज़्म नेकी और बदी से लिए गए हैं, जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है।
तशरीह है कि जो दूसरों को परेशानी से निकालेगा खुदा उसकी मुश्किलों को भी आसान करेगा, जो दूसरों का बेड़ा गर्क करेगा उसे भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, यहाँ जो जैसा करेगा उसका उसको वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ पल भर में बदला मिल जाता है, बिल्कुल नकद सौदा है। इस हाथ दो उस हाथ लो का असूल यहाँ पर चलता है, यानी कि दुनिया में जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अगले अशआर हैं, जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म व खता है जिस सालिम ने मजलूम ज़िबा कर डाला है, उस जुल्म के लहू का भी फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। सया को सबक में लिखोगे कि मंदरजा बाला अशार नज़्म नेकी और बदी से लिए गए हैं, जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। तशरीह होगी, शायर कहता है जो दूसरों की इज्जत बढ़ाता है खुदा उसे भी अजमत और इज्जत अता करता है, और जो किसी को पटकने की कोशिश करता है। एक बार और पढ़कर बताती हूँ, शायर कहता है जो दूसरों की इज्जत बढ़ाता है खुदा उसे भी अजमत और इज्जत अता करता है, और जो किसी को पटकने की कोशिश करता है खुदा उसे भी पटक देता है, और जो औरों को बेवजह जुल्म करता है खून बहाता है खुदा उसका भी खून बहा देता है। यहाँ देर और अंधेर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ सौदा बिल्कुल नकद है। नेकी का बदला नेकी से और बदी का बदला बदी से मिलता है। अब सभी बच्चों को मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जिन बच्चों को अच्छे और ख़ास स्टेशनरी प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, जैसे कि किसी को गिफ्ट करना है या फिर ख़ुद ही इस्तेमाल के लिए चीज़ें ख़रीदनी है, जो कि आपको ऑफलाइन नहीं मिलेंगी, जो सिर्फ ऑनलाइन है, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉपनर, तरह तरह की ज्योमेट्री, तरह तरह की एसेसरीज़, बहुत खूबसूरत खूबसूरत मग, और इसके अलावा बच्चों एक बेबी सेफ्टी बेल्ट आती है, जैसे कि आपके छोटे छोटे अपने भाई बहन हैं, आप अगर कहीं पर जाएं तो एक उसे अपने हाथ में रखेंगे बेल्ट को बांधकर, दूसरा अपने छोटे भाई बहन के हाथ में, ताकि आप कहीं पर आ जाकर आपस में एक दूसरे से अलग ना हो। तो बच्चों ये सभी चीज़ें आपको ऑफलाइन नहीं मिलेंगी, ये आपको ऑनलाइन ही मिल सकती हैं। तो इन सभी ख़ास ख़ास चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो कि मैं ख़ुद भी ख़रीदती हूँ। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे ज़रूर, अगर आपको कोई चीज़ एज अ गिफ्ट या अपने लिए ख़ास तौर पर पसंद आए तो आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें ऑनलाइन भी मिलेंगी, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होती हैं। अगर बाय चांस ऑफलाइन मिल भी जाएंगी तो बेइंतहा महंगी मिलेंगी। तो आप इन सभी चीज़ों को, जो कि मैंने अभी नाम लिए हैं, आप इन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर एक है कि नज़्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है। तो नज़्म के पहले बंद में दुनिया को महंगों के लिए महंगी और सस्तों के लिए सस्ती बताया गया है। अगला सवाल है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की मुराद है कि यहाँ किसी चीज़ का बदला मिलने में बिल्कुल भी देर नहीं होती, इंसान को उसकी नेकी का बदला नेकी और बदी का बदला बदी में हाथों हाथ मिल जाता है। अगला सवाल है, किसकी नाव पार उतरनी है। तो जो दूसरों की नाव पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतरनी है, यानी कि जो नेकी करता है उसके साथ भी नेकी ही होगी। जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है। तो जालिम को जुल्म का बदला ज़रूर मिलता है, अगर कोई किसी का खून बहाता है तो कोई ना कोई उसे भी कत्ल कर देता है। तो एक बार और मैं आप सभी को बता दूं कि स्पेशल और ख़ास स्टेशनरी प्रोडक्ट्स लेने के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये आपको ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ही मिल सकते हैं, जैसे कि ख़ास करके ऑटोमेटिक शार्पनर, ख़ास खास स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स, गिफ्ट्स, बच्चों की सेफ्टी बेल्ट, जैसे कि हम अपने छोटे भाई बहनों के लिए लेना चाहते हैं ताकि वो हमसे कहीं रास्ते में जुदा ना हो जाएं। अब बच्चों मुहावरे पढ़ते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ, यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी पड़ती है। बोल बाला होना
आजकल उसका बड़ा बोलबाला है, अखबारों में हर जगह उसी का जिक्र है। पार उतरना, आजकल उसकी नाव भंवर में है, खुदा ज़रूर उसकी नाव पार उतारेगा। मान रखना, जो दूसरों की इज्जत रखता है खुदा उसका भी मान रखता है। आगे है, खाली जगहें हैं, यहाँ दुनिया और तरह की बस्ती है, यहाँ हरदम झगड़े होते हैं, जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतर जाती है। आपको जो मुहावरे याद हैं उनमें से तीन मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करना है, जैसे कि बेपर की उड़ान, वो हरदम बेपर की उड़ाता है, आपे से बाहर होना, तुम तो गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हो, दम भरना, वो तो हरदम अपने दोस्त का दम भरता रहता है। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।